गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो याद आपका सेकेंड पीरियड है जिसमें मैं आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन हूँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्या है, मेलिंग लिस्ट। मेलिंग लिस्ट में स्टूडेंट्स क्या होता है, ये एक आपका उन लोगों की लिस्ट होती है जहाँ पर जिसमें आपका जिनको आपने कांटेक्ट किया हो तो आप उनको कांटेक्ट करने वाले होते हैं मेल्स के थ्रू। तो आप जिन पीपल्स को का एड्रेस होता है, मेल एड्रेस आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी फिट होता है, उसे कहते हैं हम लोग। तो ये उन पीपल्स का एक लिस्ट होती है, कांटेक्ट होता है, एड्रेस होता है, उसे हम लोग कहते हैं मेलिंग लिस्ट। इसका यूज़ क्या होता है, मेलिंग लिस्ट का यूज़ होता है स्टूडेंट्स, आप इस मेलिंग लिस्ट के थ्रू बहुत सारे पीपल को एक ही टाइम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये उनका मेल एड्रेस एक साथ होता है आपके। नेक्स्ट है आपका ट्विटर। ट्विटर एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है स्टूडेंट्स, माइक्रो ब्लॉगिंग सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है। इसमें जो माइक्रो ब्लॉग्स किए जाते हैं, छोटे छोटे मैसेजेस भेजे जाते हैं, उन्हें हम लोग ट्वीट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्वीट्स। ये सभी आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये होता है आपका ट्विटर। नेक्स्ट है ई ग्रीटिंग्स। ई ग्रीटिंग्स के लिए मैंने स्टूडेंट्स अभी कल ही आपको, शायद कल या परसों में मैंने आपका एक वीडियो बनाया था, उसमें क्या था स्टूडेंट्स, ये इको फ्रेंडली डिजिटल ग्रीटिंग कार्ड्स थे। आप सभी पहले लिखते थे किसी कागज़ में, आप उसको लिखते थे एंड देन उसको सेंड करते थे। तो ये ई ग्रीटिंग कार्ड्स आपके इको फ्रेंडली है एंड ये डिजिटल होते हैं, तो ये आपका कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते हैं। इनको सेंड करने के लिए जस्ट हल्का सा एक इंटरनेट की ज़रूरत होती है। मेलिंग लिस्ट, ट्विटर, ई ग्रीटिंग्स, ये तीनों आपके में एक चीज़ जो कॉमन है वो है आपको इसके लिए, इनको यूज़ करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। किस चीज़ की आवश्यकता नीड पड़ेगी स्टूडेंट्स, इंटरनेट की। एक और बार आपको बता दूँ, शॉर्ट नोट्स लिखने स्टूडेंट्स 3 to 4 लाइन्स आपको लिखना ज़रूरी है, 4 लाइन्स अप्रॉक्स में आपको लिखना ज़रूरी है। आइए स्टूडेंट्स फिर से एक बार देख लेते हैं मेलिंग लिस्ट क्या होती है। मेलिंग लिस्ट इज़ द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द पीपल यू वांट टू कांटेक्ट और यू विल यू हैव कांटेक्टेड अर्लियर। दिस इज़ द रिकॉर्ड ऑफ द मेल एड्रेसेस ऑफ द पीपल्स, ठीक है, जिसको भी आप भेजते हैं या फिर जिनसे आप मेल एक्सेप्ट करते हैं। तो ये सभी मेलिंग लिस्ट जो होती है उन सभी का एक कॉम्बिनेशन होती है, उन सब इस मेलिंग लिस्ट में उन सभी का मेल एड्रेस होता है। नेक्स्ट ट्विटर, जैसा कि मैंने बताया ट्विटर एक सॉफ्टवेयर है जो कि इंटरनेट के थ्रू वर्क करता है। यहाँ पर आप छोटे छोटे मैसेजेस भेजे जाते हैं, ये छोटे छोटे मैसेजेस को हम लोग माइक्रो ब्लॉगिंग कहते हैं वेब की दुनिया में। और जब ये चीज़ें ट्विटर पर की जाती हैं तो इसे हम लोग छोटे छोटे ट्वीट्स कह देते हैं। ये किसी भी बात पे हो सकती है, एक किसी पर्सनल टॉपिक पे हो सकती है, ये किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हो सकती है, ये एक वास्ट टॉपिक पे भी हो सकती है, और इसमें एक से कितने भी लोग एक बार में ट्वीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ई ग्रीटिंग्स। ई ग्रीटिंग्स का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, ई ग्रीटिंग्स में जैसा कि मैंने बताया था, ये आपका डिजिटल कार्ड होते हैं जहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस होंगी इसकी, आपको ये वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं। और इसमें आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ग्रीटिंग्स वाले में आपको कुछ साइट्स भी आपकी लिख देनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थी आपकी ई ग्रीटिंग्स, ये इको फ्रेंडली होती हैं। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ चैटिंग, डिफाइन चैट रूम्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर देना है आपको। तो चैटिंग क्या होती है, चैटिंग इज़ द एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस। चैटिंग क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ मैसेज एंड डिफाइन चैट रूम्स। चैट रूम्स क्या होते हैं, एक क्लोज रूम जहाँ पर आप सिर्फ कुछ पीपल किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक या फिर किसी उनके इंटरेस्ट के टॉपिक पर वो लोग बात कर सके, वो और उस रूम की चैट बाहर एक्सपोर्ट ना हो, मीन्स उस रूम में जो भी बात हो वो किसी और को पता ना चले। तो ये होते हैं स्टूडेंट्स चैट रूम्स। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, आप इसको करके अपने अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लीजिएगा एंड चारों क्वेश्चंस अपने में कर लीजिएगा। बाकी के जो कुछ बचे हुए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में बता दूंगा। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हम लोग फिर से मिलेंगे, बाय।